राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए इंडिया न्यूज 64 पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज हमारी मौजूदगी है जो पुनाना विधानसभा में, तो यहाँ पर कुछ नौजवान साथी जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। चुनाव का क्या माहौल है भाई साहब, क्या माहौल है चुनाव को लेकर आपके गांव में? भाई बढ़िया माहौल चल रहा है, कांग्रेस को वोट देंगे हिंद पूरी। अच्छा, कांग्रेस से आप किन को वोट करोगे? हिंद जाओ, रही साजा चौधरी का नाम है, टिकट के पीछे जो भी टिकट जाल मिलेगा वहाँ वोट देंगे। आपके यहाँ से जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 10 साल, कितना विकास करा आपके इलाके में? अरे विकास करता तो हम वोट ना देते पूरी। अच्छा, विकास ना हुए आपको तो वजह से कांग्रेस दे रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपके मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, कितना विकास करा उन्होंने आपके यहाँ पे? वहाँ विकास का वक्त सरकार ना बनी, भाई विकास जब करते हो तो इस बार आप कैसा विधायक लाना पसंद करेंगे, किसको वोट करोगे? भाई हम कांग्रेस जो भी टिकट मिलेगा उसको करेंगे हम। जैसे कांग्रेस पार्टी से यहाँ से काफी दावेदारी कर रहे हैं, इरशाद जी चेयरमैन हो गए, उसके अलावा इब्राहिम जी हो गए, जेलदार हो गए, तो इनको लेकर क्या कहना चाहोगे? जेलदार वेलदार ना दे रहे इन लोग, चाहे टिकट मिले मत मिले हमसे पूछ ले अच्छा। तो चाहे रही साल मिल जा, चाहे और कायलू इरशाद मिल जा, कायलू मिल जा, इन लोग दे सना। अच्छा, अगर यदि कांग्रेस का टिकट इरशाद जी को मिलता है कांग्रेस का, तो आप क्या और सोचेंगे? तो उन लोग देंगे वोट, हम जालू टिकट मिलेगा वालू वोट देंगे। क्लियर, टिकट इलियास जी लाते हैं आपके विधायक मौजूदा, तो उसको लेकर देंगे उसको वोट इलियास जी को? हाँ इलियास को भी। तो उसी कड़ी में कुछ और भाई जिन सब, भाई साहब क्या माहौल है चुनाव को लेकर? अभी तो चुनाव का कोई टिकट वगैरह का कुछ हुआ नहीं है जी अभी तो, और ज्यादातर तो इरशाद कोई वोट देना चाहेंगे, उसको मिल जाए उम्मीद उसी की टिकट की फिलहाल तो। क्या वजह रहेगी जो आप इरशाद जी को वोट करेंगे? क्योंकि पिछली बार से कांग्रेस का वो इलियास जी विधायक रहे, एक बार भी नहीं आया गांव में, उसको तो हम देने चाहिए, उसके से बीजेपी को वोट दे देंगे, उसको नहीं देने वाले। जैसे कि बीजेपी से यहाँ से सलीम जी हो गए जैसे कि तैयारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या सोच रही है भारतीय जनता पार्टी से? नहीं ऐसा, अगर इरशाद चेयरमैन को नए चेयर को टिकट मिलता है तो हम कांग्रेस देंगे, अगर भाई कुछ अलग चीज सोचने वाले हैं जी। आज आपका जो गांव की हम देखो, आप मेवात इलाके में यहाँ पे आए तो यहाँ पे रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार हो गया, शिक्षा हो गई, तो यहाँ पे इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जी? ये इससे तो काफ़ी परेशानी हो रही है जी हमें, इसको तो सबको पता है मेवात पिछड़ा हुआ है जी, कुछ भी फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे है नहीं, रोड की सबसे बड़ी समस्या, आप आए होंगे बाय रोड आए होंगे तो आपको दिख रहा होगा जी इसके बारे में। यदि कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी इरशाद जी को यहाँ से बनाकर उतारती है तो आपसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं जी? हमें उम्मीद है शिक्षा पे भी काम करेंगे और गांव के विकास के बारे में, हमारे पुनाने के बारे में काफी विकास करने वाले, हमें उम्मीद है लगता है वो कर सकेंगे जी। आपको उम्मीद है कि आपकी आवाज़ अगर यहाँ से MLA बनकर हो जाते हैं तो आपकी आवाज़ जो विधानसभा में उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे जी, हमें उम्मीद है तभी तो हम उनके बारे में सोच रहे हैं जी। जी आपके मौजूदा विधायक थे, उन्होंने कितना विकास करा? उन्होंने तो माइनस में है जी, वो उसकी सरकार भी नहीं, सरकार आ जाए तब भी नहीं है, तब एंड में आएंगे जब टिकट मिल जाएगा ना, तब यहाँ हमारे पास आने चालू हो गए हैं अब। देखो भाई साहब, आप युवा हो, आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, जब वोटिंग का टाइम आता है तो आपके पास काफ़ी नेता आते हैं, आपसे वादे होते हैं रोजगार को लेकर, फैक्ट्री को, सब चीज़, शिक्षा वगैरह को, सब वादे होते हैं, लेकिन वोटिंग होने के बाद वो नेता दिखाई, क्या वजह है? ये तो चल ही रहा है जी, देखो मतलब मेवात में तो कुछ करते नहीं, चाहे किसी की भी सरकार है, हम इरशाद से ही वो लगा रहे हैं, इरशाद को नहीं मिला तो फिर हम रही साहब वोट करेंगे जी। अच्छा जी, अगर इरशाद जी को यहाँ से कांग्रेस का टिकट मिलता है तो आपको उम्मीद है कि इरशाद यहाँ से विधायक बने? जी उम्मीद है जी, हमें कांग्रेस की उम्मीद है जी, हमें कांग्रेस का ही टिकट निकल पाएगा यहाँ से। जी जी, तो आप लोगों ने देखा जैसे कि ये कुछ गांव के लोग थे जिन्होंने चुनाव के बारे में हमें कुछ बताया, तो इन्होंने बोला कि इरशाद जी को यदि यहाँ से कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाकर उतार दी तो यहाँ से निश्चित MLA होंगे। तो इसी कड़ी में कुछ और भैया जिनसे भी हम बातचीत, भैया क्या प्रचार कर रहे हैं जी आगे अभी? बिल्कुल, तो अब देखो जब टिकट किसको मिलता है हम तो गर्ग को वोट देंगे जब अगर यह हिसाब से कांग्रेस, क्योंकि इलियास समझता जमुना पार। अच्छा, इलियास कभी चुनाव के टाइम पे भी इन गांवों में नहीं आता जी, और उसको ये गांव ऐसे वोट देते हैं मतलब अपना समझ के, एक मुहर लगती है इलियास की जी, ठीक है, लेकिन वो कभी प्रचार के लिए ना किसी कोई मर जाए गिर जाए किसी दुख सुख में नहीं आता जी वो। इससे बढ़िया तो हम सोच रहे हैं किसी और को दे दें। जैसे कि भैया ने बोला इरशाद चेयरमैन को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखो अगर कांग्रेस का टिकट देखो किसी को चेंज होता है तो वो एक जब
सोचेंगे उसके बारे में भी करेंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी से काफी तैयारी कर रहे हैं, इकबाल जेलदार हो गया, जैसे इब्राहिम जी हो गए, असल में जी क्या है, कांग्रेस के ऐसे हुए पड़े हैं कि एक अनार 100 बीमार हुए पड़े हैं टाइम, अभी तक किसी पे कोई सहमति नहीं किसी की जी, ये सब बकवासबाजी, इकबाल देंगे जब टिकट क्लियर होगा जब ही डिसीजन असलान तो सही होगा जी, क्योंकि इतना 20 दावेदार हो रहे हैं कांग्रेस टिकट मिलेगा एक कोई तो ये है। अभी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 10 साल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खास करके मेवात के अंदर कुछ विकास नहीं हो पाया, वो क्या उसको लेकर क्या? अब देखो जी, अब ये तो वो सरकार की वो अपनी सोच है जी, वो तो मेवात को मतलब बैकवर्ड मानते हैं, पिछड़ा है भी जी, हम कोई वो नहीं है। इसमें क्या आप कमी है जी? ये कमी है हमारे नेताओं की, ठीक है, नेता चाहे तो विकास हो सकता है, जब नेता चाहेंगे ना तो। अब देखो आप होडल से पुनान वाला रोड देखो जी, अगर कोई हारी बीमारी हो जाए तो आदमी की जान निकल जाए, इतना हॉस्पिटल पहुंचे आदमी, तो ये चीज़ें विकास की होती हैं। वैसे थोड़ी कि किसी को घर में कोई राशन दे गया, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता जी, ये देख लॉलीपॉप होते हैं। तो जैसे कि इस बार पुराना विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है, तो चेंज हो जाए तो ठीक है जी, अब कोई नया देखो, अब साहब का पटवारी भी है कांग्रेस का दावेदार, ठीक है भाई, जेलदार भी बताता रहा हूँ, बहुत वो है पड़े हैं, लेकिन अभी किसको, इलियास जी को टिकट मिलता है तो कांग्रेस को क्या अपने वोट करोगे? बस सोचेंगे जी, लेकिन इलियास को मन नहीं करता जी, जो मतलब तो काम क्यों चल रही है जी। तो आप किसी युवा को लाना चाहोगे? हाँ, कोई युवा चेहरा आ जाए, कोई जो मतलब आगे की सोच के चले जी, भाई कुछ किसी का जनता का भला हो, यही होते हैं जी शिक्षा, स्कूलों में जाके देख लो जी, कोई पढ़ाई का कोई नहीं है, सुबह से मास्टर आते हैं अपने कुर्सियों पर पाँव फैला के सो के चले जाए, अपने 90-90 लाख सैलरी ले रहे हैं वो, कोई नहीं। हमारे गांव में 500 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी में कोई पढ़ाई नहीं है, तो यही चीज़ विकास की होती है जी। आप लोग ये कहना चाहोगे कि मेवात इलाका है जो वो सिर्फ शिक्षा में नहीं, रोजगार हो गया, सभी चीज़ों में पिछड़ा हुआ इलाका, सब चीज़ों में पिछड़ा हुआ है, हर चीज़, किसी भी चीज़ को ले लो जी, रास्ता को ले लो, शिक्षा को ले लो, स्वास्थ्य को ले लो, कोई चीज़ में कोई सुविधा नहीं है, हॉस्पिटलों में देख लो जाके जी, यही हालात है हॉस्पिटलों में। तो इसमें आप लोगों की कमी होती है, फिर कोई नेताओं की कमी होती है, उसको उसको लेकर अभी एक जनता भी की भी होती है जी, ऐसी नहीं है, ऐसा आदमी नुमाइंदा चुनो कि भाई जो ये है कि भाई ये कुछ कर सके, लेकिन हमारा क्या है, हम किसी के पीछे लग गए बस। आपका नज़रिया इस बार किस आदमी को लेकर ठीक है इस बार? अभी तो टिकट होएगा क्लियर जब ही होएगा जी, अभी तो मामला कोई ऐसा है नहीं है जी, कहने का मतलब टिकट को पड़ी बिल्कुल जी, जैसे और भाई साहब है जिनसे बातचीत करना चाहेंगे, ठीक है।